तो गाजी आम का चटनी देख सकते हैं और ये आलू। टमाटर के लिए बिंदा आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस सुबह के 8 बज गए हैं, हम अभी जाग रहे हैं, देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। तो गाइस सुबह सुबह हमारा पानी आ गया है, गर्म पानी पीता हूँ मैं सुबह सुबह। गर्म पानी पी के फिर काम पे जाते हैं, तो जुड़े रहिए हमसे। तो गाइज मैं अभी आ गया हूँ अपने छोटे खेत में, घर के बगल में ही है। तो ये हमारा बेरी है, इसमें भूसा रखा जाएगा, इसी को देख रहा हूँ कैसे कैसे इसको रिपेयर कराना पड़ता है। देख सकते हैं गाइज ये टूट जाता है ना, इसको रिपेयर करा जाता है, तो इसी के बारे में सोच रहा हूँ। 3 है मेरा, इसको रिपेयर कराने के लिए सोच रहे, देखने आए थे कैसा बढ़िया कंडीशन है कि नहीं, लेकिन टूट गया, इसको करवाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कैसा कंडीशन हो गया है। इस एक है, दो है और एक ये 3 है, तीनों को रिपेयर कराना पड़ेगा फिर से। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है, तो कैसे कुछ ऐसा सीन है हमारा खेती का। और गन्ने भी बोया गया है, गन्ना बस ऐसे ही घर खाने के लिए घर पे। तो गाय जी ये तो भट्ठा देखे ही है, ब्लॉग में बताया था, ईंट भट्ठा है हमारे घर के पास में ही। और ये यहाँ रोड ढलाई करने का मशीन भी है यहाँ पे। तो गाइस आज फिर से आम का चटनी हमारे इधर बन रहा है, अभी छोटे छोटे टिकोरा है, देखिए मैडम पीस रही है खाना हमारी आम है का। तो आओ। और ये मूंग डली है दाल के लिए। हमारा सब खेती का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता गांव में खेती में इतना। रो बोले बने। तो गाइस देख सकते हैं हमारा आम का चटनी पीसना शुरू हो गया है। आम को चटनी खाना है तो आओ मेरे घर। आइए। हाँ मैडम बुला रही है आम की चटनी खाने के लिए, मौसम चल रहा बहुत टेस्टी लग रहा है। तो गाइस हमारा फाइनली खाना लग गया है, तो आओ दिखाते हैं क्या खाना खा रहे हैं। तो गाइस ये आम का चटनी देख सकते हैं, और ये आलू का सब्जी है और दाल है, दाल में घी है। तो गाइस गांव का खाना कुछ अलग ही होता है, मस्त मज़ा आता है खाने में, हमारा बिहारी स्टाइल है। तो गाय जी देख सकते हैं ये 12 बजे का बर्तन है। मैडम धूप में बर्तन धो रही है, कपड़ा भी डाल रखी है और हमसे पानी चलवा रही है। देखिए गाय देख सकते हैं कितना धूप है, बहुत ज़्यादा। ये 12 बजे का टाइम है, देख सकते हैं। तो गाय शाम को 4 बज गया है, अब हम लोग जा रहे हैं गेहूं बांधने के लिए। देखिए रस्सी लेके चल दिए हम लोग खेत में, देख सकते हैं आज भर है लास्ट, हमारा लास्ट आज खत्म हो जाएगा कटनी हमारी गेहूं की, बंधाई भी हो जाएगी। तो गाइस फाइनली हम खेत में आ गए हैं, अब इसको पूरा खेत को बोझा बांधना है, हमारे इधर बोझा बोलते हैं और जगह पता नहीं क्या बोलते होंगे। और देखो आधा बांध दिए हम, और ये आधा बांधना है और ये पूरा खेत बांधना है। और रंग मास्क क्यों लगाया है, यहाँ कोरोना नहीं चल रहा, बस धूल मिट्टी के लिए मास्क लगाया हूँ मैं। और इसमें बांधने पे ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ता है, तो खांसी जुकाम होने का संभावना होती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो गाइस देख सकते हैं आधा बांध दिए हैं और आधा बांधना है इसमें। तो गाइस हमने बोझा बांध दिया था, तो रात हो गई थी, अभी 8 बज गई रात। तो गाइस हम नहीं दिखा पाए आपको कि कितना बोझा बांधे, लेकिन पूरा बांध दिए थे। तो आज ब्लॉग कहीं समाप्त करते हैं, सोने का टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बाय।